कृष्णा जी आज पार्टनर एक्सचेंज राउंड है और आज सबसे ज्यादा गौरव खुश है। चलो मैं तो खुश हूँ भैया, लेकिन तुम टेंशन में रहो क्योंकि बिना अनीता के तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है। अरे एक मिनट यार, क्या अनीता अनीता लगा रखा है? अनीता को मैंने अपनी टीम से निकाल दिया है। करती क्या थी? थोड़ा स्टैंड अप अच्छा कर रही थी, थोड़े क्यू अच्छे देती थी, थोड़े पंचेज फोड़ लेती थी, थोड़ा टीवी का फेस थी, थोड़ी टीआरपी लाती थी, यही ना। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो यार? सिद्धार्थ ने एंगेजमेंट कर लिया। सिद्धार्थ मुबारक हो। अरे बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू भाई। सिद्धार्थ लड़के का नाम क्या है? अरे नहीं, मुझे लगा इतना लड़की बनता है किसी लड़के को ही सेट किया होगा। ए खबरदार, मेरे मंगेतर सुभाष के बारे में कुछ कहा तो? 77 हो गया हो तो एक ऑफर है मेरे पास, मेरी टीम में आ जा। अच्छा, मैंने नया डमरू खरीदा, मेरे को बंदर मिस हो रहा है बस। कहना मैं बजाऊंगा, तू नाचेगा चार, पैसे भी आ जाएंगे भाई। सही बात है, लोग देखने भी आएंगे। ये कौन सा बंदर जिसको गधाना चाह रहा है? मेरे को ये जोड़ी नहीं चाहिए। कोई और तो बोल, कोई और ऑफर दो मुझे। तुम हमें वहां ढूंढ रहे हो, हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अपने से बड़ा कटोरा लेके भीख कहाँ मांग रहे हो तुम? आपकी टीम में हो ना, तो इसलिए एक एक लाइन के पीछे भीख मांगनी पड़ती है। क्या जो भी हो, आज मैं चिट्स लाया हूँ, चुट्ठे जाओ, जिसका नाम होगा आप उसी की टीम में जाएंगे। उठाइए। दिव्यांश एक पे नाम लिखा होगा तो किसी एक की टीम में जाऊंगा, सिर्फ उसका करियर बनेगा। इससे अच्छा तो सबकी टीम में जाऊँ, सबका करियर बनेगा। बात नहीं करना, पैर छू के आशीर्वाद ले लूंगा, बता रहा हूँ। हम अपना अपना पार्टनर खुद ढूंढ लेंगे और ऑडियंस को दिखा देंगे कि आज हमारा पार्टनर कौन है। तो देर ना करते शुरू करते हैं आपका फेवरेट कॉमेडी शो जिसका नाम है कॉमेडी सर्कस। प्लीज वेलकम अभिलाष, अनीता एंड मी। हेलो सना, तब तक अपनी मम्मी से बात करता रहा, अपने बच्चों की मम्मी से नहीं कर सकता क्या? हाँ मम्मी, सना से फोन क्यों छीन लिया? क्या वहां भी लाइन भूल गई? क्या बोलना था? कैसे मैनेज करते हो भाई साहब 50-50 फंबल? तो मान लो यार तुम लोग वैसे। फिर भाई पहचानते हैं आप इसको? यहाँ देश से भी ज्यादा महंगाई होती। सही बात। मैं एक बार थिएटर में गया, मैंने कहा भाई साहब ये कितने का है? कहता 700 रुपए का। इतना महंगा? आपने कभी सोचा है पॉपकॉर्न तवे पे उछलता क्यों है? जो इसका रेट है इसका बनता है। ये 2-2 रुपए वाले उछल रहे हैं, ये तो फिर भी 800 का होता है। पॉपकॉर्न तो छोड़ो सेल भाई, ओहो, मैं एक बार डॉली की डॉली देखने चला गया। मैंने कहा भाई की फिल्म में जाते हैं देखने। इंटरवल में मेरी गर्लफ्रेंड 5 डिब्बे पॉपकॉर्न के खा गई और बाद पैसे आधा नुकसान मेरा हुआ है। फिल्म की टिकट तो इतनी ज्यादा महंगी, ओहो हो। एक बार चला गया मैं, मैंने कहा कितने की टिकट? कहता 900 रुपए की। मैंने कहा मैं 400 की तत्काल टिकट करा के गांव ना चला जाऊं। इतनी महंगी टिकट सुहेल भाई। इसलिए मैंने एक फैसला किया, मैंने कहा थिएटर में फिल्म देखने जाना ही नहीं, थिएटर में नौकरी कर लो। एक तो फिल्में फ्री में देखने को मिलेंगी, ऊपर से पॉपकॉर्न फ्री में खाने को मिलेंगे। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जो लड़के अंदर आते हैं वो लिपस्टिक खाने में बिजी होते हैं, पॉपकॉर्न खाता कोई नहीं, हम वो उठा के खा लेते फिर। एक हफ्ता हो गया सुहेल भाई, कोई नहीं आया। पता नहीं आज भी कोई आएगा या हमको थिएटर में सुहेल खान बनना है, मतलब बैठे बैठे सोना है। मेरे लाल, मेरे पीले, इतना छोटा सा तू इतना बड़ा स्टैंडअप कैसे झेल लेता है बच्चे? अदिति बेटा, तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, इसका स्टैंडअप सहने की क्या जरूरत है? वैसे बलराज एक बात कहूँ, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्टैंडअप करने की नहीं मेहनत करने की जरूरत होती है। तेरे को शर्म नहीं आती स्टैंडअप के बारे में बोलते हुए? पिछले 2 एपिसोड से स्टैंडअप की पेमेंट खा रही है औरत। पर मैं अच्छा भी तो कर रही हूँ। अरे इसका क्या है, ये तो शौचालय में भी ना खड़ा होकर स्टैंडअप करता है। मैंने कहा भाई यहाँ तो बैठ के परफॉर्म कर ले। ए, क्या कर रहा है? इधर आओ भाई साहब, आपने अभी मुल्क नहीं छोड़ा। क्यों? वो आमिर खान कब से कह रहे कहो कुपोषण भारत छोड़ो, आप गए नहीं। और नीता हाउ आर यू? आज समझ में आया हग किसको कहते हैं। नहीं तो पिछले 3 महीने से जो दिव्यांश कर रहे हैं मैं तो साफ कर करके पागल हो गया हूँ। प्लीज हाँ, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं। मेरे पार्टनर पारितोष को देखा है, इतना फास्ट फास्ट बोलता है, समझ नहीं आता प्रेशर एक्ट का है या गैस का।
अरे गैस से मुझे याद आया, वो दो टिकट देना है। हाँ। एक सेकंड, ये लो मैडम। फिल्म देखने आए हैं। ये हार क्यों? जैसी फिल्म में इंटरवल में आपकी डेथ हो जानी, मैंने कहा पहले पहना के। अबे ओ एक्स्ट्रा लाज से बड़े नाक वाले, जल्दी से टिकटे दे। कोई सी भी ले लो, सारे देश के थिएटर खाली हैं, कोई भी दो ले लो। अबे इतना सन्नाटा है, ये मतलब फिल्म लगी है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अच्छा ये बताए, ये शो कौन सा है? सर जी 3 से 3:15 का। पागल हो गया, 3 से 3:15 कौन सा होता है शो? वो क्या है ना, 15 मिनट से ज्यादा ऑडियंस बैठती नहीं है, उनके जाने के बाद हम भी बंद करके निकल जाते हैं। मैडम आओ आप इधर बैठो, लेफ्ट में आ जाओ, बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट ना। कौन सा सामान है ये? भाई साहब ये बहन का दहेज लेके डोली यहीं से विदा करनी है आपको? अबे ऐसा है, थिएटर में अब खाना वाना अलाव हो गया है, तो यहीं अपना बनाएंगे, यहीं खाएंगे, है जी। लाइट डिम कर दो, फिल्म शुरू हो गई। इस शहर को ये हुआ क्या है? सॉरी। कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? क्यों सब चुपचाप धुएं को है झेलता? ये पानी पिलाओ यार इसको कोई। सर पानी की नहीं सिगरेट की तलब लगी है सर। अभी एक मिनट, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। ओह गॉड। धूम्रपान करने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने के नाल कैंसर होता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान मध्य कर्क रोग होत। सुहेल भाई सारी भाषा में बोल दिया इन्होंने, फिर भी बात नहीं आना पीने से, देखना। तूने सारी भाषाएं बोली है? हाँ। वहां का समझ लगा सारा पंजाबी में बोला है। फिल्म शुरू होगी मैडम। हाँ। और तू क्या बोल रहा था बे कि वाहियत फिल्म है तो मजेदार लग रही है। सर जी छोले चलाई हमने बीच में इसलिए। अब ना अपनी बकवास बंद करो, टिकट दे दी दे दी, अब प्रिवेसी दे दो, जाओ यहाँ से और लाइटें बंद करो, आउट। लाइट बंद करो, आपने फिल्म देखने की बनानी? कर दो अभी, कर दो लाइट बंद, भाई साहब दो लोग हैं देखने, चला दो फिल्म, अंधेरा कर दो। लाइट ऑन करो। पैसे किधर आओगे? हाँ जी। आपको लिपस्टिक वाले होंठों में और मूछों वाले होंठों में फर्क नहीं पता चलता? पैसे में एक बात होता है, औरतों जैसी चोटी लगा के और औरतों जैसे भड़बड़ भड़बड़ करोगे तो बंदा तो कंफ्यूज होगा ना यार। मैडम जैसे इनके शो होंगे, आपको एक बात बताऊं, आप मेरे साथ चलो फिल्म देखने, इसके लिए नया लड़का ढूंढ लेते हैं। अरे चुप करो, ये फिल्मों में इतनी गालियां क्यों हैं? मैडम गाली वहां से नहीं, प्रोजेक्टर रूम से आ रही। आपके चक्कर में उनको दोबारा देखनी पड़ रही मैडम। मैडम 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 एक सलाह दूं आपको भाई साहब, इधर अंधेरा भी है, ठंडा भी है, फैमिली यहीं प्लान कर लो। फैमिली प्लानिंग से याद आया, बेबी मुझे और भी बहुत भूख लगी है, कुछ बनाओ ना अच्छा सा। फैमिली प्लानिंग से आपको भूख याद आ गई? आप बच्चे खाती हैं? वाले कम से कम बच्चे की लाइनें तो नहीं खाती है। मैं बनाता हूँ बेबी आपके लिए दीदी। ओ शर्मा जूस कॉर्नर। क्या ये शर्मा जूस? ये चलती फिल्म में चलाओगे इसको तुम अपनी मिक्सर ग्राइंडर को? फेल भाई जब से ये रूल पास हुआ ना, ये थिएटर में मिक्सी चलाने लगते हैं, पता है? उस दिन शाहरुख भाई बोल रहे थे कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को गर्र कहते हैं। विद्या जी बोल रही थी फिल्म में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, गर्र गर्र और एंटरटेनमेंट। मेरे को पहले दो आज तक समझ में नहीं आए। हेलो गर गर नहीं होता है, हाय 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 होता है। बर्राज भाई कम हियर, आंसू आ गए मेरे। देख साले गौरव मिक्सर को भी लेने देता है ये। आ जाओ बैठो। अच्छा। फिल्म देखो। ये वही लड़की है ना जो जंगल में थी, यहाँ पर जो तीर मार रही है? ये उड़ता हुआ तीर प्रोड्यूसर के पास जाएगा अभी देखना। बकवास है, चलो हम चलते। मैडम ऐसे नहीं जा सकते बीच में फिल्म छोड़ के, ये अलाउड नहीं है सर। 10,000 रुपए लगेंगे। अबे जाने के कौन पैसे लेता है, 10,000 रुपए लगेंगे? अब लोग आने के नहीं दे रहे, हम जाने के भी ना ले। आपको पता है ये आइडिया हमें आमिर खान साहब से आया,
वो प्रीमियर पे फिल्म देख रहे थे, बीच में उठ के भागे। मैंने कहा किधर, कहते भाई पैसे ले ले मेरे को जाने दे। नहीं जा सकते सर, पैसे लगेंगे। ये जान दो प्लीज। नहीं नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता भैया। सर नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पैसे दे के जाओ। सही है। हाँ और दे दो, थोड़े से कम है दो लोगों के लिए। अरे चलो ना, बहुत भगवान, जल्दी करो। और दे दो सर, घर के पेपर है भैया। सर जी दे दो। सर ये प्रोड्यूसर के उतर चुके हैं, आप मत उठा। भाई साहब लोगों ने वहां नहीं, इधर टिकट लेके देखना शुरू कर देना। आप जाओ यहाँ से, आओ यहाँ से। मुझे, मुझे, मुझे मिले, चलो। अरे इसे रख लो यार। ओह गॉड, आज पार्टनर एक्सचेंज है, और भी मजा आ गया है इस नई तिकड़ी को देखकर। आई थरली एंजॉयड दिया। थैंक यू। थरली एंजॉयड। थैंक यू। एक टॉपिक के ऊपर इतना एंटरटेनिंग एक्ट करना वाज जस्ट फैबुलस। भाई आपको पता है इंडिया को आजाद हुए 30 साल होने वाले हैं। पागल हो गया, देश को आजाद हुए 70 साल होने वाले। नहीं मैं मुबीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो 70s का हीरो बना है ना। और उसके साथ आने वाली है वो जिसको अपनी उम्र से भी बड़े पंच चाहिए होते हैं। कौन? दिव्यांश। वो तो फोड़ लेता है, अदिति। सो प्लीज वेलकम मुबीन, सना एंड अदिति। अर्चना जी, सोहेल भाई, मैं हूँ 70s का हीरो। 70s का वो हीरो जिसे नौकरी नहीं मिल रही। ना कारा, निकम्मा, निखट्टू, ऐसा वैसे 70s का हीरो नहीं हूँ। बड़े बड़े राइटर्स ने मेरे लिए लिखा है, सलीम साहब ने भी मेरे लिए लिखा था। पता नहीं उनके लिखने के बाद पुलिस वालों ने मुझे मारा क्यों। बाद में किसी ने बताया उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिख दी। फिर पुलिस वालों ने भी मुझे बड़ा अलग तरह से टॉर्चर किया। मैंने यहाँ पे उल्टी तलवार बांध के कहते माँ के पाँव छू। अभी आप ही बताओ, मैं माँ के पाँव छू भी लेता, वो ये आशीर्वाद दे पाती जीता रे पुत्र। हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी मुझे नौकरी मिल गई है और मैं अपनी माँ के पास खुशखबरी देने आया हूँ। माँ कहाँ है तू? माँ 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 मुझे नौकरी मिल गई माँ, ये ले मेरी पहली तनख्वाह। वाह 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 बेटा, पर बेटा ये तो खाली है। नौकरी के पहले दिन तनख्वाह कौन देता है बे? बेटा हाँ, तुम्हारी नौकरी लग गई, तुमने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। माँ ये जो पिताजी का सपना बोल बोल के अपने सपने पूरे मत किया कर। मुझे कहती बेटा मुझे साड़ी ला दे, तेरे पिताजी का सपना था। मुझे पता मेरा बात थोड़ा ऐसा ऐसा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बेटा बस तू अब शादी कर ले, तेरे पापा का एक और सपना पूरा हो जाएगा। एक और सपना पूरा हो जाएगा? सच बता, मेरा बाप ऊपर गए कि कहीं सो रहा है? इतने सपने तो कोई सोता हुआ आदमी देखता है। सोता हुआ आदमी? माँ कहीं मेरा बात सही काम तो नहीं? खबरदार माँ, जो बाप के बारे में मुझसे कोई बात की तो पता है उनके वजह से कितने दुख झेलने पड़े, लोगों ने मेरे हाथ में क्या क्या लिख दिया। क्या? तेरा बाप चोर नहीं था बेटा, नहीं था। अरे माँ चोर लिखते तो मैं एडजस्ट कर लेता। सोहेल भाई ऐसी बात लिखी ना, मुझे शर्म आती। ये देखो क्या लिखा है, मेरा बाप चार है। तू ये सब छोड़, ये देख इनमें से ना तू लड़की चूज कर और इस घर की मुझे बहू दे। चल 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 चूज कर। नहीं नहीं माँ 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 मा, मैं अपनी आइटम अपने जेब में लेके घूमूंगा। तू एक काम कर, इनमें से कोई चूज कर। हाँ ले, इनमें से कोई भी चूज कर ले, मैं उससे शादी कर लूंगा। बेटा ये सब तो एक ही है। अरे माँ तेरे बेटे की शक्ल देख, एक मिल गई उतना ही बहुत है। मैं आ गई, मतलब मैं आ गई। काम वाली को बोलो मेरे लिए कप चाय लेके आए। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। माँ दो कप लेके आ गए, लड़की कड़क है। कौन है ये? अरे माँ मैंने बताया था ना, ये वही लड़की है जिसने मुझे दिल दिया, बदले मैंने से किडनी दे दी। बेटा तूने प्यार के चक्कर में अपनी किडनी बेच दी? नहीं नहीं अपनी नहीं बेची माँ, तेरी बेची है। जस्ट किडनी माँ, जस्ट किडनी। माँ तू नहीं चाहती बहू पहली बार घर आई है, मैं से अपना घर दिखाऊं, तू कहीं बाहर घूम के आना। माँ बेटा मकान ना एक कमरे का है, तो बहाना तो ढंग का दे उल्लू। सुरेश तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना गुल्लू मुझसे करता है। गुल्लू कौन है? गुल्लू 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 मेरे कुत्ते का नाम है, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह प्यार करता हूँ। आओ दो जिस्म तीन जान हो जाते हैं। नहीं नहीं
दो जिस्म चार जान। अरे यार मेरा कैलकुलेशन बड़ा खराब है। हाँ वही हो जाते हैं जो होता है। ओह नो सुरेश, हमें फूल नहीं टकरानी चाहिए थे। मुझे लगता है मैं उम्मीद से हूँ। उम्मीद से तो मैं भी था कि मेरी टीम में तुझे दिया, तूने क्या किया लेकिन आके। तो ड्रैग कर रही हूँ ना बलराज की टीम से आई हूँ, जस्टिस देना तो बनता है ना। ये ले बेटी ये ले, खानदानी कंगन अपनी बहू के लिए संभाल के रखे थे, अब इस पे तेरा हक है। माँ की कंगन लाला नहीं लेकर गया? बेटा ये लाला का ही तो घर है, ये लाला का ही तो बेटा है। ओह माय गॉड, मैं लाला का बेटा हूँ, फिर माँ मैं बदला किससे लूंगा? तेजा से। ओह माय गॉड, तेजा की बात कौन कर रहा है? जिसे ये नहीं पता तेजा मैं नहीं हूँ और मार को धर नहीं, इधर आके खड़ी हो। और ये तेजा की बेटी है, ये तेजा की बेटी है? नहीं नहीं नहीं, मैं तेजा की बेटी नहीं हूँ, वो तो मुझे किसी मेले से उठा कर लाया था। एक सेकंड, मेले में तो मेरी बेटी खोई थी, इसका मतलब ये मेरी बेटी है। बेटी ये क्या कर रही है? माँ ये क्या कर रही है? अगर ये तेरी बेटी हुई तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, तू इसकी टेंशन मत ले। हाँ। तू भी मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे भी मेले से ही उठा के लाई थी। वो हुआ ये था कि मेरी बेटी को ही ले गया, तो मैंने कहा मैं क्यों खाली हाथ वापस आऊँ। सच सच बता माँ, मेरा बाप कौन है? कौन है? कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? कौन माँ? मुझे लगता है मेरे पापा तुम्हारे बाप है, क्योंकि मेरे पापा बता रहे थे कि मेले में उनका कोई बेटा खो गया था। मैं तेरे बाप का बेटा हूँ, फिर मैं तेरे ससुर का भी बेटा हूँ, ये कैसे हो सकता है यार? एक सेकंड, मैं बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये लाला की बेटी, ये तेजा का बेटा। मेरी बेटी मेले में खो गई तो मैं किसी और का बेटा ले आई, बेटा था तेजा का। लाला की बेटी तेजा के बेटे की मैं शादी कराने जा रही हूँ, मतलब मैं अपने बेटे और बेटी की शादी कराने जा रही हूँ। इसका मतलब मैं अपनी बेटी को बहू बना के इस घर में लेके आ रही हूँ। मतलब ये दोनों तो भाई बहन निकले, मैं क्या करूं? अरे मां मां क्या करें, मां थोड़ा पानी पी ले, पानी पी ले मां, पानी पी ले। मैं तुझे पानी पिलाता हूं, पानी कहां है? आ मां तुझे पानी पिला दूं। और यही 70s की कंफ्यूजन 20 साल बाद। अरे मां 20 साल हो गए, बताती क्यों नहीं? मां तुझे बताना होगा, चल चल आ आ। 20 साल हो गए मां, आ मुझे बता दे मैं तेजा का बेटा हूँ कि लाला का बेटा हूँ। माँ शकुंतला तुम ही समझाओ मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैंने 20 साल में ये क्रैक कर दिया है। हाँ हाँ सुनो, मेरा बाप है और तुम्हारा बाप है, यानी अगर तुम मेले में खोए थे तो मैं भी मेले में खोई थी, और अगर हमारे दोनों बाप मेले में हमें ढूंढ के निकाले तो फिर हम डेफिनेटली भाई बहन। क्या कर रही शकुंतला? तू भी पानी की क्या कर रही है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शकुंतला। और ये 70s की कंफ्यूजन 2020 तक चलती रही 50 साल बाद। शकुंतला एक तू माँ से बात कर ले। शकुंतला आज तुझे बताना ही होगा माँ कि क्या बात है। शकुंतला तू कुछ कहती क्यों नहीं? ये सास बहू के झगड़े बंद करो, तुम्हारे आपस में बात करो। तू मुझे मेले में लेके गई, वहाँ छोड़ के आ गई, तेजा मुझे मेले से उठा के ले आया, आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर आप ही बता दो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओह माय गॉड, आज पार्टनर एक्सचेंज होने के बावजूद नहीं लग रहा है कि आप तीनों ने भी पहली बार एक साथ काम किया है इस सीजन में। लव द एक्ट, मुझे वो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और वो जो दो ये कंकाल जो आए थे, I think it was a very well written act, but Mubeen, you were like really good. Thank you. Aditi, you are absolutely fabulous. Thank you, sir. And Sana, aap mein wo ada hai, and only very few actors who can go back to the retro and do justice to it. You were absolutely, matlab, delightful to watch. Thank you so much. Mubeen, jab hum aapko dekhte na, me and Archie always say this, ki yaar, इस बंदे को उस मुकाम तक पहुंचाए, बिकॉज ही जेन्युइनली आर्टिस्ट और कमाल का है, लेकिन आप इंसान भी बढ़िया लगते हो यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको पता है एक नया इंटरव्यू शो शुरू हुआ है और उसमें एक ऐसी जोड़ी है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हिट है, पारितोष और ओजस्वी। अरे उनसे अच्छी जोड़ी तो जूते और मोजे की होती है। तो आ रहे हैं सलमान और शाहरुख गौरव और सिद्धार्थ बनकर।
ये कैसा पागलों वाला इंट्रोडक्शन है? अरे जब पागल लोग आ रहे हैं तो पागल वाला इंट्रोडक्शन ही देंगे ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए गौरव सिद्धार्थ और ओजस्वी के लिए। मिठाई खाओ, मिठाई मिठाई मिठाई, ये लो मिठाई खाओ, फटाफट खाओ। अरे आप भी खाओ, अरे आप तो कब से भूखी हैं, आप खाइए ना। देखो भूखे नंगे आ गए, हट। अरे वाह, जोरदार ताली हो जाए। मैंने मन्नत मांगी थी कि अभिलाष से छुटकारा मिल जाए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। सुनील जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? जस्ट अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमने अर्चना जी को हाय हेलो क्यों नहीं किया। अब दिन के साथ रात दिन साथ में ड्यूटी करनी तो क्या, साथ में दारू पीना, हाथापाई करना, ये सब चलता रहता। वैसे हम आपको बता दें कि हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, सच्ची बता रहे हैं। आज यहाँ बहुत अच्छा शो होने वाला है। अरे भैया, वो जो फरा है ना, फरा, उनका फालूदा नाम का एक शो आया है, यहाँ बड़े बड़े स्टार आते हैं। आज कौन स्टार आता है उसकी चेकिंग कर करूंगा मैं। सर सर सर, आपका ये सब हो गया, हाथ ऊपर करो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सॉरी सर, वो मैं चेकिंग कर रहा था, चेकिंग चेकिंग। तू क्या चेकिंग करेगा, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय शेरा के। शेरा मेरी चेकिंग करता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड को बताता है, भाई इनके पास कुछ नहीं, जाने दो। और इसी बहाने हमने पार्किंग में कितनी बियर पी है। सर जी, एक बात बताओ, आप सच में असली वाले सलमान खान हो? एक नंबर का तगलुद्दीन सिद्धार्थ सागर, वो ओरिजिनल बन के घूम रहा है आपका। सिद्धार्थ को कुछ मत बोलना, बहुत पसंद करता हूँ मैं उसको। सर कोई टैलेंटेड नहीं है, पता है, हर एक में एक ही चीज करता। ए भैया मत कर। हाँ ठीक है, ये सब करता। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे ये सब करता है। मना करो, नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ये क्यों करता है, ये यार क्यों कर रहा है, ये आया मैं। एक मिनट। हाँ अभी कौन है, क्या है यहाँ? एक मिनट सर रुको। एक सर, कोई भारी चीज आ रही है, हाथी तो यहाँ है, कौन आ रहा है सर? अरे सर, पहचाना नहीं आपने? हाय हाय सोहेल, हाउ आर यू? ए तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरा नाम साजिद है। मेरा नाम सारा है। अरे सर जा रहा हूँ मैं। हाँ तो सलमान, आज हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अच्छा तो ये बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? मन नहीं है। क्या यार सलमान, कुछ तो बोलो ना। वही सवाल जैसा पिटा, कब शादी करोगे? मुझे नहीं करनी, मन नहीं है। मैं शादी कर लूंगा तो बच्चे क्या करेंगे? अभी सिद्धार्थ की एंगेजमेंट हुई और तूने बताया नहीं। सर मैं भूल गया था, सर मैं भूल गया था एक्चुअली सोहेल को बताना था। सर सोहेल, सर वो कैसे बताओ, पैकअप के बाद घर चले जाते, शूटिंग पे सो रहे होते। चलो आगे वाले को बुलाते हैं। आ जाओ आ जाओ। आजकल इतना फनी नहीं, बैठ इधर। बड़ो बड़ो बड़ो। सबसे पहले मेरे फालूदा विद फारा में, सबसे पहले मैं तुम दोनों को खिलाऊंगी आपका फालूदा। चलो ये लो। अरे थैंक यू। चलो चलो तुम भी लो। ओह ये थैंक यू। ओह ये क्या है ये? हाँ ये गंदा है क्या? ठीक है क्या करता है? हाँ तो बताओ सलमान, कितने प्रतिशत मार्क्स मिले थे तुम्हें हाई स्कूल में? मैथ्स बहुत कमजोर थी, मतलब इतनी कमजोर थी कि मैं अपनी 5 गर्लफ्रेंड को भी 3 ही गिनता था। ओह यार सलमान भाई, सलमान भाई, चिड़िया चिड़िया नहीं, चेक 1 2 3 1 2 3, दूध है 1 2 3, दूध है, अभी दूर रहे, दूध है। सलमान मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा फैन मोमेंट क्या रहा है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैन मोमेंट तो मैं जिम से निकला था
और मुझे पसीना आ रहा था, मैंने फैन ऑन किया, मूवमेंट हो रही थी, फैन मूवमेंट, शाहरुख जरा बताओ कि तुम सलमान के फैन हो। अरे मैं क्या बताऊ, मैं तो क्या, मेरी पूरी फैमिली सलमान के फैन है, यहाँ तक कि इसकी वजह से मेरे फूफा नहीं रहे। मर गए क्या? अरे नहीं, जेंडर चेंज करवा के बुआ बन गए हैं, शादी के इंतजार में, कभी हाँ बोले। सलमान हंसना हो गया तो मैं पूछूं कुछ? हाँ पूछो पूछो। हाँ तो तुम ये बताओ, तुम शाहरुख के फैन हो? अरे हमारी पूरी फैमिली शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम पहले भैंस का दूध पीते थे, आजकल बकरियों का पीते। हद में रहना मेरे साथ, चुपचाप बैठूंगा मैं। बकरी से हमको याद आया, चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी हम वापस आएंगे फालूदा विद फारा में। और सलमान बताओ क्या हाल? काम कर अपना। शाहरुख कैसे हो यार? हे चल बे चल। चलिए हम वापस आ गए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मिनट, पारितोष तू मान है भाई। तो सलमान, मेरा अगला सवाल है कि तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? मेरा फेवरेट डायलॉग है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला फेवरेट है? नहीं, उसके बीच में जो गैप आता ना वो अच्छा लगता, आराम करने में। कुछ भी कहो भाई, तो सोहेल का ना सोने का मजा आता है। अच्छा अच्छा शाहरुख, तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? अम्मी जान कहा करती थी। अच्छा ये वाला डायलॉग? नहीं सच में, अम्मी जान कहा करती थी, जब एक पंच बड़ा फूट जाए तो अगला बोल के खराब नहीं करना चाहिए। चलो चलो, अब इसके बाद हम खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। हाँ तो बताओ कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है? अमरीश साहब। ओए राजू, ओए 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 ओए, वैसे इस अरे आवाज कहाँ गई? ओए ओए क्या हो गया ये? ओए ये क्या बीमारी है? अरे ये क्या? ओए 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 ओए, अरे अरे आवाज कहाँ गई? ओए ओए अरे कहाँ गई आवाज? मैं कहता हूँ जहाँ से मेरे जा, अरे क्या ना जो? ओए ओए अशरफ, अशरफ अली, ओए शकू, क्या हो रहा है? ओए तारा पाकिस्तान, ये क्या हो गया भाई? ओए ओए जल्दी जल्दी ताली मार। आप भुशा, आप भुशा, आप भुशा, आप दो दांत चपस, आप आप उप उप, अरे जली को कहते हैं मुझे, कहते हैं हाँ या 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 तू अमेश ऑटो स्टार्ट कर, निकलते इधर से। चलो भाई चलो चले रहो भाई। पानी दो पानी दो पानी नहीं, दो, नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं, आज मैं पानी दूंगी। तीस साल लग गए सलमान भाई शाहरुख भाई को मकाम पाने में, सिर्फ तुम दो ऐसे टैलेंट हो जो 13 मिनट के अंदर उनको बर्बाद कर सकते हो।
जैसे कि सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कि आप सलमान भाई के बहुत बड़े फैन हो, और मैं आपको ये भी कन्वे करना चाहता हूँ कि वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। You guys are just fabulous, sir. This is nothing short of brilliance, and I salute you both for that. अब आ रहे हैं सबसे बड़े चीटर। चीटर क्यों? अरे कॉमेडी के पैसे लेके सटार मारेंगे तो चीटर हुए ना। हाँ, और उनके साथ आ रहे हैं उनके शेरों की अंतरा की माली से भी हालत बुरी। सॉरी यारी गंदा वर्ड पे था, एक्चुअली पारितोष की टीम है ना। पर छोटा इतना टैलेंटेड है कि उसके लिए मैं क्या बोलूं, बस एक ही चीज बोलूंगा, भाई इतना टैलेंट लाते कहां से हो, प्लीज मेरा भी रिकमेंड करो कहीं पे। और उनके साथ है हॉट एंड सिजलिंग कडिश करुश कलमू, नहीं यार ये डायलॉग में जो फंबल मारती है उसके नाम में भी तो फंबल होगा ही ना। सो प्लीज वेलकम परितोष, दिव्यांश एंड करिश्मा। चश्मा पार कर देना, समझा? अरे बलराज भैया, आपके लिए शेर अर्ज किया है। गिर गया हूँ खड्डे में, निकालेगा कौन? वैसे आपकी दोनों नाक भी खड्डे बराबर ही है, लेकिन फिर भी गिर गया हूँ खड्डे में, निकालेगा कौन? दिव्यांश तो चला गया, अब एड संभालेगा कौन? यहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी औकात से बड़ा कर सकते हैं। आपको पता है पहले मैं लंबा ही था, बलराज भैया हैं जिन्होंने मेरा टैलेंट दबा दबा के मेरा कद भी दबा दिया। कहते हैं अगर बेटा तू लंबा हो जाएगा तो तेरी छोटी हाइट पे जो मैंने 4,50,699 पंच लिखे वो कब काम आएंगे। मतलब इतना भूखा है आदमी पंच का, डायरेक्टर से कहता जीरो के लिए शाहरुख को बुला दो, मैंने छोटी हाइट पे एक्स्ट्रा पंच लिख लिए। आज मैं अंग्रेज बना हूँ। वैसे देखो उस टीम से निकल के इतना खुश हूँ, अंग्रेज होके मैं नारियल फोड़ रहा हूँ। माना नहीं फूटा क्योंकि बलराज भैया ने दिया था। अदिति दीदी से पूछो, ये हमें वही चीज देते हैं जो कभी ना फूटे। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ आया हूँ चैनल से अपनी मेला की डॉक्यूमेंट्री बनाने। माय नेम इज KBMU, यानी कि कोई भी मुंह उठाके। हमारे चैनल से कोई भी मुंह उठाके डॉक्यूमेंट्री बनाने आ जाता है। ये छोटे छोटे करके चिढ़ा रही है मेरे को। सॉरी 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 सर सॉरी। देखा सिद्धार्थ, ये होते बड़े आर्टिस्ट, आते ही सॉरी सॉरी बोल रही है। देखो मेरा एक्ट है अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि सिद्धार्थ भैया नहीं है जो उनके उनके फिजिकल में उनके ऐसे वाले फिजिकल में ना तुम्हारे फंबल छिपने नहीं वाले, समझी? समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई। दूसरी बात, मैं बच्चा, मुझे तुम्हारे ग्लैमर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम ये बताओ तुम इतना लेट कैसे आ गए? मैं कुछ लोगों का शूट कर रही थी, वो निज वस्त्र खरीद रहे थे पहनने के लिए। ओह, यू मीन टू से वस्त्र खरीद रहे थे पहनने के लिए? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पहना था इसलिए वो निर्वस्त्र खरीद रहे थे। ये देखो कितनी अच्छी जगह है, व्हाट अमेजिंग प्लेस। इधर बाबा, उधर बाबा, ऊपर देखो वहाँ भी बाबा, हर तरफ बाबा है बाबा। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मेला देखने आया हूँ, ऐसा लगता है मैं संजू देखने आया हूँ। मेला या मल्टीप्लेक्स, पाइप पाइप अदिति हसमत पाइप से मारूंगा तेरे को। वैसे बलराज, ये देखा ना, इसे कहते कैरेक्टराइजेशन। तो ये था संजू, अब फिरंगी करते हैं। हाँ तो देखा तुमने, नाउ जस्ट वॉच एंड लर्न, ओके? वॉच एंड लर्न। हे तुमने देखा यहाँ पे एक बंदा हाथ से ट्रक रोक रहा था। उसमें क्या, मैं तो टांग से ट्रक रोक सकती हूँ। अभी 6 लाइन पहले बताया था मुझे तेरे ग्लैमर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको ग्लैमर में इंटरेस्ट है वो आ गया। इतना खराब टेस्ट नहीं है हमारा।
रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं, ये ठीक है। What are you doing? अरे ये टमाटर भक्स खुलता है वही है ना? डस्टबिन नहीं हो, इंसान हूँ मैं। तुम इंसान हो? हाँ, हम इंसान हैं। अब तुमसे बड़ा तो हम पिकडान रखते हैं। ये पार्टनर एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। देखो इसी बहाने हमको करिश्मा मिल गई। वैसे हमको सिर्फ करिश्मा देना चाहिए था, दिव्यांश तो हम खुद कर लेते। मैनेज। देखा बेटा, तुमसे बड़ा हम कवर करते हैं। फिर से छोटी हाइट पे पंच मार रहे हैं। अर्चना जी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नाक का फर्क है, वरना फील हो ही आ रही है मुझे। अच्छा सुनो, नाराज मत हो। तुम्हारी छोटी हाइट पे हम कोई पंच नहीं मारेंगे। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे तुम माचिस के डिब्बी में सोते हो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे अम्मा की चूड़ी से हुला हूप खेलते हो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे हमारे गुर्दे में तुमसे बड़ी पथरी है। हम तुमको बिल्कुल नहीं कहेंगे तुम अंग्रेजों के राजपाल यादव लगते हो। सुना, एक मिनट, तुम दोनों अंग्रेज बने हो क्या? हाँ, ये पीतल का तांबा पहन के मुगल कर रहे हैं। अनारकली, दफन कर दो इसे शाही नमक के गोदाम में। अंग्रेज बने हैं। तुमसे ज्यादा अंग्रेजी तो सना वेस्ट कर देती है। अच्छा तो बोल देती है। अरे गौरव के सामने बोलती है ना, तो वेस्ट ही हुआ ना। और तुम ये बताओ, जो गौरव सना को वेस्ट कर रहे, उसका क्या हुआ? हाय, आज तो बड़ी बातें आ रही हैं। नहीं, आती उस टीम में भी थी, लेकिन बलराज भैया पहले ही करवा लाते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज आज मेरा दिन है। चुटकी नहीं बज रही है। अबे डायरेक्टर, एडिट पे चुटकी की आवाज डाल देना। सर वो देखिए, चूल्हे पे वाटरफॉल। अरे वाटरफॉल नहीं है, बच्चा सुसु कर रहा है। वो किसी आंटी ने कर दिया होगा ना, तो बच्चा सुसु करने लगा होगा। एक तो समझ में आता है कि करने में बच्चा सुसु क्यों करता है, में है क्या? अबे अबे बस कर यार। कर ले जितना करना है। क्यों? हो गया। वैसे सर इतना बड़ा मेला है तुम्हारा, यहाँ पे गेम्स नहीं होते? गेम यहाँ देखो वो है अपना ग्राउंड कैसीनो है, मूविंग कैसीनो है। ग्राउंड कैसीनो? अरे वो जमीन पे बैठ के जुआ खिलाते हैं ना, डोका पॉइंट वो वाला है। व्हाट इज मूविंग कैसीनो? जब पुलिस रेड मारती है तो उठ के भाग जाते हैं, वो मूविंग कैसीनो हो जाता है। मैंने सुना है हिंदुस्तान के सारा बाबा यहाँ पर आता है। अरे यहाँ कमाल कमाल के बाबा आते हैं, यहाँ तो वो बाबा आते हैं जिनको देख आदमी कहता है हो ना बाबा ना। और तुम्हारे वाला भी आते हैं। मेरा वाला बाबा? जिनको तुम कहती हो चल बाबा चल। सुनो, बेगम को जानती हो? हाँ। उसने अपने हार्ट पे अपनी बीबी का नाम हिंदी में लिखवाया है। क्यों? क्योंकि बीबी में बात होना हो हिंदी में बात है। अंग्रेज भाग, छोड़ो भाग यहाँ से। जॉन, हम जौनपुर से आए और हम पटना से हैं। अरे साला, हल्के में ले रहे थे, भारी निकले। अंग्रेज समझते थे ससुरे बिहारी निकले। दिव्यांश, यू टुक माय हार्ट एंड माय ब्रेथ अवे, सल्यूट। थैंक यू मैम। जो बड़े बड़े दिग्गज इस मंच पर नहीं कर पाए हैं, वो आज तुमने किया है। तुमने पहले भी बहुत अच्छे एक्ट किए, लेकिन आज कुछ कमाल ही किया। ये पार्टनर एक्सचेंज इज अ माइंड ब्लोइंग एपिसोड, माइंड ब्लोइंग एपिसोड। परितोष, आप स्टेज को, आप ऑडियंस को, यू जस्ट कम एंड कैप्चर, ये आपसे टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू सर। और छोटे, आज तूने तो कमाल कर दिया यार, मतलब गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो इंडिया, आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस।